बीस सड़क दबंग की हरकत तो देखिए, दिन के उजाले में लड़की के साथ मारपीट और किडनैप करने की कोशिश। घटना कानपुर की है, जहां मोबाइल पर बात बंद करने से नाराज दबंग ने सरेराह युवती की पिटाई कर दी। दबंग ने मोबाइल तोड़ने के साथ साथ युवती को अगवा करने की भी कोशिश की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवती का आरोप है कि दबंग व्हाट्सएप पर असलहों की फोटो भेजकर दिल्ली के साक्षी हत्याकांड जैसा हश्र करने की धमकी दे रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल किदवई नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती की ध्रुव गौतम से मोबाइल पर बातचीत होती थी। कुछ दिनों बाद युवती ने युवक से बात करना बंद कर दिया। युवती का मोबाइल पर बात बंद करना युवक को नागवार गुजरा। गुस्से से तमतमाए दबंग ने युवती के पास पहुंचकर उससे कहा सुनी की। लाल कॉलोनी इलाके में युवक ने सरेराह युवती को अपशब्द कहे और विरोध करने पर मारपीट की। इस दौरान छिनैती की कोशिश में मोबाइल टूट गया। आरोपी युवती को जबरन दूर तक खींच कर ले गया। दहशतजदा युवती को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। फिलहाल इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं बची और किदवई नगर थाना क्षेत्र में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हम सर काम पर से आ रहे थे, इसने यहाँ पे मेरे साथ बदतमीजी की, गलत सरजी का हाथ लगाया था और मेरा फोन छिना के भाग रहा था। क्या किस तरह की पहले भी कई धमकी देता है? पहले धमकी देता, कह रहा है जैसे तुम्हारे दिल्ली वाला काम हो वैसे तुम्हारे साथ भी करेंगे। मेरे पास वीडियो फोटो वोटो सब भेजता, रिकॉर्डिंग। अच्छा, भेजता किस तरह की रिकॉर्डिंग भेजता है? वीडियो ये मेरे पास बंदूक की फोटो भेजता है। जैसे क्या धमका था? आज क्या हुआ पूरा मामला बताओ। आज हम आ रहे थे काम पर से, मैं इधर से आ रहे थे और उसने यहाँ पे मुझे पकड़ा और क्या बोलते फोन छिना ले, कह रहा है चलो वरना हम तुम्हें जान मार देंगे, धमकी दे रहा था मुझे। पुलिस आई? मोगी हाँ, पुलिस आ गई। एनबीटी ऑनलाइन के लिए कानपुर से सुमित शर्मा की रिपोर्ट।